वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, मेरे पास से क्वेरी सबसे ज़्यादा आती है कि हमें कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में दूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने इस इन्फॉर्मेशन को सीरीज़ में डिवाइड किया है फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी के नाम से। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी का मतलब है आर्थिक तनाव जो कैंसर ट्रीटमेंट के खर्च को लेकर होती है। कैंसर ट्रीटमेंट करवाने के लिए पेशेंट को 3 स्टेजेस फेस करने होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज सर्जरी, द सेकेंड वन इज़ द कीमोथेरेपी एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन। इसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन पेशेंट की हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है, क्योंकि सिर्फ हेल्दी बॉडी ही कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को टॉलरेट कर सकती है। इसलिए अगर पेशेंट वीक है तो उसे कीमो नहीं दिया जाता, सिर्फ सर्जरी और रेडिएशन से ट्रीटमेंट होता है। फाइनल डिसीजन डॉक्टर्स और कैंसर टाइप पर डिपेंड करता है। मैंने ये आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट की एवरेज कॉस्ट 90,000 से शुरू होती है, इंक्लूडेड ऑल चार्जेस, और ये 5 लाख या 27 लाख तक हो सकती है। इट इज़ डिपेंड ऑन कैंसर टाइप एंड स्टेज। इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ज़्यादातर फैमिलीज़ के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ फैमिलीज़ के लिए तो ये इम्पॉसिबल है। बट सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस हैं जो कैंसर पेशेंट को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, और गवर्नमेंट ने भी हेल्थ स्कीम्स शुरू की हैं जिससे पेशेंट्स फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी सीरीज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि आप फ्री कैंसर ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल्स को प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, रीजनल कैंसर सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला, किडबी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी बेंगलोर, द कैंसर इंस्टीट्यूट अध्यार चेन्नई। फिर मैं गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड्स के बारे में बताऊँगी, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या प्रोसीजर हैं। थर्ड नंबर पे कैंसर इंश्योरेंस को इंक्लूड किया है मैंने। कुछ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैंसर इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती हैं और कैंसर ट्रीटमेंट के रिस्क को बेयर करती हैं, इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं इस सीरीज़ में। एट लास्ट, एनजीओस इन इंडिया दैट हेल्प्स टू फाइट फ्रॉम कैंसर। सो दिस सीरीज़ इज़ द कम्प्लीट पैकेज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हाउ टू गेट फ्री कैंसर ट्रीटमेंट। इसके अलावा आपको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कभी भी मेरी हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन द गिवन मेल ID aartiparmar.march2021@gmail.com। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो रीजनल कैंसर सेंटर तिरुवनंतपुरम पर होगा। इसमें मैं हॉस्पिटल का सारा डिटेल शेयर करूँगी। टाटा हॉस्पिटल पर मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं करूँगी। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।